नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मोदी कैबिनेट से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को जगह मिल सकती है। तोखन साहू बनेंगे मोदी कैबिनेट में मंत्री। बिलासपुर से बीजेपी के सांसद हैं तोखन साहू, पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू। ये भी बता दें लोरमी से विधायक भी रह चुके हैं तोखन साहू। बेहद ही जमीन से जुड़े नेता हैं और शुरुआत 1994 में की और तब से लेकर के अब तक लगातार प्रयासरत रहे। अब जाकर के जब मौका मिल रहा है तो खुशी भी उनके द्वारा जताई जा रही है। तोखन साहू जिनका नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, इन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पहली बार सांसद बने हैं तोखन साहू और अब कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है। तो आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ ग्रहण करेंगे और मोदी कैबिनेट में कौन कौन होगा ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। पर छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र करें तो अभी पहला नाम ये सामने आया है तोखन साहू, जिन्हें फोन गया है और फोन के बाद मुलाकात हुई, बैठक में शामिल हुए। अब जो है देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या विभाग मिलता है, पर यह है, ये तय माना जा रहा है कि तोखन साहू जो है मोदी कैबिनेट में होंगे, दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू का नाम, और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जिन पर लगातार चर्चाएं चल रही थी पर वो सिर्फ कयासी थे। अभी जो कहा जा रहा है कि जिनके पास फोन पहुंचा है, जिनका नाम लगभग तय है, उनमें से ये एक नाम है तोखन साहू। तोखन साहू उनका नाम जो है मोदी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा चल रही है। इस बीच हमारे आप देख सकते हैं कि तोखन साहू जी के ये पूरा परिवार है, ग्राम डिंडौरी के में ये सभी हैं और सभी को भारी खुशी हो रही है। हम उनके भाई से बात करते हैं, छोटे भाई से क्या जानकारी मिली, क्या बात हुई? आपको बताना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और उस मंत्रिमंडल के हिस्सा के लिए माननीय हमारे जो बड़े भैया है तोखन साहू जी, उनके पास फोन आया और माननीय मोदी जी ने उन्हें ये कहा कि आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सांसद हैं और प्रदेश अध्यक्ष है किसान मोर्चा के लिए और देश के लिए एक मजबूती से काम करेंगे। इस तरह उन्होंने पीठ थपथपाई और हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम एक छोटा सा परिवार, भैया का राजनीति पंच से चालू हुआ और आज केंद्रीय मंडल में मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, हमारे परिवार के लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे क्षेत्र में किस तरह हर्ष? बहुत हर्ष व्याप्त है, पूरे बिलासपुर लोकसभा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में हर्ष का माहौल है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार फोन बज रही है और बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बीच हम बात करेंगे तोखन साहू जी की धर्म पत्नी लीलावती जी से, कितनी खुशी हो रही, किस तरह का माहौल? बहुत खुशी रही से, बहुत विश्वास की। क्या बात हुई उनसे? बहुत खुशी के बात। प्रशांत शर्मा, न्यूज 18, मुंगेली। तो तोखन साहू का नाम लगातार आगे चल रहा है, फोन कॉल भी उनके पास पहुंचा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कौन सा विभाग उन्हें मिलता है, पर यह लगभग तय माना जा रहा है कि तोखन साहू मोदी कैबिनेट में होंगे, दिखाई देंगे। तो तीसरी बार राज तिलक से पहले कई सारे फोन दिग्गजों को गए हैं और उन्हीं दिग्गजों में से एक नाम है तोखन साहू, जिन्हें फोन गया है। बिलासपुर से बीजेपी सांसद तोखन साहू मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, पहली बार सांसद बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें देने की तैयारी में। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से, उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, तोखन साहू का नाम आगे चल रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में वो शामिल हो सकते हैं, फोन भी उनके पास पहुंचा है। ऋतु जी देखिए, ये चौंका देने वाला नाम है। अब तक के ये कयास लगाया जा रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल जो सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर रायपुर से सांसद बने हैं, उनका नाम पहले चरण में था। इसके साथ ही विजय बघेल जो दुर्ग से सांसद रहे लगातार दूसरी बार, संतोष पांडे, उनका नाम चल रहा था। लेकिन ये चौंका देने वाला नाम है तोखन साहू, जो बिलासपुर लोकसभा से पहली बार चुनाव लड़े हैं और उनका नाम जो है वो केंद्रीय मंत्री के दौर पर शामिल हो गया है। जिस
तरीके से उन्हें पीएमओ से फोन आया और जिस तरीके से घर वालों से हमारे सहयोगी ने बात किया, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनको हरी झंडी मिल गई है कि वो कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, यानी कि मोदी कैबिनेट में तोखन साहू का नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं तोखन साहू की बात बता दूं तो उनके राजनीतिक जो शुरुआत हुई है 1994 से हुई है, एक पंच के तौर पर वो राजनीति पर कदम रखे थे, सरपंच बने, जनपद सदस्य बने। इसके साथ ही 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोरमी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था विधानसभा का, और उसमें उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज करते हुए जो कद्दावर नेता है कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह उनको हरा कर विधानसभा पहुंचे थे और उन्हें वहां पर उनको संसदीय का जिम्मेदारी दी गई थी। इसके साथ ही अगर हम कहें तो 2018 में फिर से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और 2024 लोकसभा चुनाव में उनको लोकसभा का प्रत्याशी बिलासपुर से बनाया, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की, 1,64,558 वोटों से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी देवेंद्र साहू को हरा कर लोकसभा की जीत हासिल की है, बिलासपुर लोकसभा जीता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि तोखन साहू एक बड़ा चेहरा है, चूंकि किसान का बेटा है, किसान नेता रहा है, ईमानदारी से कर्मठता से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसका जो लाभ जो है वो दिखाई देता हुआ उनको दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि उनकी ईमानदारी और कर्मठता पर जो है भारतीय जनता पार्टी लगभग मुहर लगा दी है कि वो कैबिनेट मंत्री होंगे, केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री होंगे, और इसको लेकर जो है लगभग चर्चाएं जो है वो तेज है। इसको लेकर बिलासपुर में काफी लोग हर्षाहित है, घर परिवार काफी खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि तोखन साहू के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ का विकास है वो डबल इंजन की सरकार के बतौर तेजी से होगा। इसके साथ ही यह भी माना जा रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का एक ओहदा रहा है राजनीति के दृष्टि से, वो ओहदा आज भी बरकरार दिखाई दे रहा है जब तोखन साहू को केंद्रीय मंत्री में जगह मिलने जा रही है, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नाम है, चौंका देने वाला नाम है तोखन साहू। पहले तो यह माना जा रहा था कि सिर्फ तीन बड़े नेता है जिनका नाम चल रहा है, लेकिन तोखन साहू का नाम जब शामिल हुआ तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है बिलासपुर के लोग जो है वो काफी हर्षित है और काफी खुश है, बस इंतजार है तो उनके शपथ को लेने। ठीक ठीक, लगातार नजर बनाए रखिए। प्रशांत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, चूंकि साधारण परिवार से, साधारण किसान परिवार से आते हैं, बेहद ही जो है सरल सहज उनका स्वभाव है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी जो उन्हें मिलने जा रही है, क्या कहती है जनता? तोखन साहू निकल कर आते हैं और पंच के रूप में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और आज मोदी मंत्रिमंडल में उनके नाम की चर्चा हो रही, तो निश्चित रूप से लोरमी इलाके के लिए एक बड़ी उपलब्धि और बड़ा हर्ष का विषय है, और आप इस समय देख सकते हैं कि उनके समर्थक किस तरह दूसरों को हमारे साथ उनके कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को बहुत सौभाग्य की बात है कि बिलासपुर लोकसभा से माई तोखन जी एक माटी पुत्र हैं, एक किसान के पुत्र हैं, जिनको हमारे सम्माननीय मोदी जी ने इतने बड़े पदवी दे के मंत्री बना के, हम लोग का जो जोश है और उत्साह है बहुत दोगुना हो गया है और हम बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत खुशी है हम लोरमी वासियों को, क्योंकि एक किसान के बेटा साधारण कार्यकर्ता को नरेंद्र मोदी ने इस देश की केंद्रीय मंत्री बनाया है और ये किसान के पुत्र हैं और हम सबके मित्र हैं, और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तोखन साहू जी को बधाई देते हैं। लोरमी के लोग आशा करते हैं कि आने वाले समय लोरमी का बहुत विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को। क्या लगता है, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतना बड़े देश में हमारे छोटा सा छत्तीसगढ़ राज्य का एक डिंडौरी ग्राम के सांसद को मंत्री बनाया गया है, बहुत खुशी में है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खुशी है। तोखन साहू जो कि लोरमी इलाके की डिंडौरी से निकल कर आते हैं और पहले पंच थे, उसके बाद सरपंच और जनपद सदस्य, फिर लोरमी से विधायक बने हैं। ठीक, लगातार बने रहिए। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर पहले आकाश का रुख कर लेती हूँ, रायपुर से वो भी जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है रायपुर। आकाश, ब्रजमोहन अग्रवाल दिग्गज नेता, अनुभवी नेता, और लगातार इनका नाम आगे चल रहा था, क्या कहा जा रहा है, क्या रेस में वो आगे दिख रहे हैं, क्या कोई फोन कॉल पहुंचा है क्या उनके पास, चूंकि बहुत बड़ी जीत जो है छत्तीसगढ़ में रायपुर ने ही दर्ज की है।
भाजपा में बड़े से बड़े नेता हैं और अच्छे वोट मार्जिन से जीते हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो 10 सीटें यहां से आई है और भाजपा को एक तरफा बहुमत मिला है, लेकिन बीजेपी में एक कहावत है कि यहां के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी भाजपा में केंद्र सरकार में बड़ा पद पा सकता है। उसका एक उदाहरण है तोखन साहू, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि पंच से शुरुआत उन्होंने की थी, इसके बाद जो है उन्होंने जो है किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाली है। 2013 में लोरबी से उन्हें उतारा गया था भाजपा की टिकट पर, उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन्हें अच्छे मतों से हराया था। इसके बाद 2015 में उन्हें संसदीय सचिव बनाया था। अगर एक अनुभव देखें और कैरियर देखें तो काफ़ी अच्छा संतुलित कैरियर रहा है, संगठन के लिए लगातार काम करने वाले नेता रहे हैं, बेदाग छवि के नेता रहे हैं। जब 2014 में उन्हें टिकट दिया गया था यही उम्मीद के साथ दिया गया था कि जीत दर्ज करेंगे, देवेंद्र यादव को उन्होंने हराया अच्छे मतों से हराया। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ के सीनियरों की बात करें तो 10 सीटों में 3 बड़े नाम जो चल रहे थे, सबसे बड़ा नाम था बृजमोहन अग्रवाल का नाम था। कारण ये है कि लगातार उन्होंने विधानसभा में जीत दर्ज की थी, कैबिनेट मंत्री का पद संभाला था, अभी भी तत्कालीन वो शिक्षा मंत्री है। ऐसे में लाजमी बात जाहिर सी है कि उनका नाम चलना था। इसके साथ ही जो ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में विजय बघेल का नाम सामने आ रहा था, इसके साथ ही संतोष पांडे का नाम सामने आ रहा था, दोनों जो है सांसद पिछले बार भी रहे हैं और दोबारा जीत के पहुंचे हैं। लेकिन भाजपा जो कहा जाता है कि एक तरीके से चौंकाती रही है, विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री बनाने का की बात हो या फिर मंत्रिमंडल की बात, लगातार चौंकाते आया है। तो ये तोखन साहू एक अच्छा फैसला है और छत्तीसगढ़ में भी अच्छी छवि के माने जाते हैं, तो एक उत्साह है। और वोट बैंक को जिस तरीके से साधने की भाजपा ने हमेशा से कोशिश की है उसके तौर पर भी एक देखा जा सकता है बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में। जी ठीक, लगातार बने रहिए। उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से पूरे सिनेरियो को आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुमत हासिल नहीं हुआ, एनडीए की सरकार है, इतना आसान नहीं है, मांग भी बहुत सारी अलग अलग जगह से अलग अलग पद देने की। अब जब जिस स्टेट में बहुत ज्यादा बहुमत से बीजेपी जीती है या वहां पर दबदबा है, तो कितना आसान या मुश्किल बीजेपी के लिए वहां से बड़ी संख्या में मंत्री लेकर के आना। कई सारे नाम आगे चल रहे हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल हो, संतोष पांडे हो, विजय बघेल हो, तोखन साहू हो, कितना आसान या मुश्किल आप देख रहे हैं सभी को? के दौर से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी को मंत्री बनाने की बात करें रेणु, तो वैसे भी 14 और 19 की बात अलग थी। अभी 14 में अलग सीन था, 19 में अलग था, जब उनकी पूरी की पूरी एक कंफर्म बोलना चाहिए कि एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। अभी तो पूर्ण बहुमत है नहीं, जाहिर सी बात है कि उनके साथ सीट शेयर किए हैं, जब उनके साथ सीट शेयर हुई है तो मंत्री पद भी शेयर करने पड़ेंगे। तो एक बड़ा सबका बड़े मंत्री पद का जो भी मंत्री बनाने हैं कि बड़ा हिस्सा दोनों तीनों और सभी संगठन का जितने भी घटक दल है उनको देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कंप्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी। अब इस कंप्रोमाइजिंग स्टेज में वो कितने बड़े बड़े नेता को कंप्रोमाइज करते हैं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये डिसीजन मैं कहूं, अगर आपका सवाल है कि सीधा की तोषण साहू ही क्यों, ये महत्वपूर्ण सवाल मुझे समझ में आता है कि आपका सवाल यही होना चाहिए। तो तोखन साहू मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन का दौर चल रहा है। अप्रत्याशित निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी अब न्यू कॉम जिसको बोलना चाहिए, युवाओं को तवज्जो, एक नई पौध को, युवाओं को ऊर्जा का केंद्र बनाना चाहती है। जो आप विकल्प तो आप भी जान रहे हैं, हम सब बात कर चुके हैं, संतोष पांडे थे, विजय बघेल थे, वरिष्ठ बृजमोहन अग्रवाल है, सभी विकल्प मौजूद थे, लेकिन उन्होंने चयन किया तोषण का। उसके पीछे मैं जो समझ में मेरी समझ कहती है उसमें एक सोशल इंजीनियरिंग, मैं इसको कहूंगा कि सोशल इंजीनियरिंग की हुई है। सो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर ट्राइब्स के बाद पहले अगर देखें तो ओबीसी 56% है, ट्राइब्स 33% है, तो पूरे के पूरे 89% के आसपास दोनों समाज हो जाते हैं। अब इस 56% में भी जो सबसे बड़ा तबका है वो है साहू समाज 22%, जिनका भरपूर और बम्पर आशीर्वाद विधानसभा में भी मिला। उन साहू जो बहुत संगठित समाज है, जो एक संगठन संगठित हो के वोट करते हैं, इनकी सबसे संगठित समाज में इसलिए कहूंगा कि इनकी एक एक ब्लॉक स्तर की भी एक इनकी कमेटी बनी हुई है, जिला स्तर की बनी हुई है, ग्राम स्तर पे बनी हुई है। तो ये अपनी इनकी एक पैरेलल आप देखेंगे एक संगठन है। और साहू समाज बहुत कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं।
तो साहू समाज को उन्होंने बहुत जो आशीर्वाद दिया विधानसभा में भी और लोकसभा में भी, ये उसके प्रतिफल के रूप में रेणु इससे आप पर इतना आसान नहीं होगा शर्मा जी, इतना आसान नहीं होगा दिग्गजों को बिठा देना, या जिन्होंने खूब सारी मेहनत विधानसभा में की और उनके बलबूते शायद इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और उन्हें बिठा दिया जाए, कई उम्मीदों में वो थे और ना वो उम्मीदें पूरी हो तो खैर नाराजगी भी यहाँ पर होगी पर मान मनोबल भी चल रहा होगा। आप लगातार बने रहिए। दिल्ली से विनीत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली विनीत, क्या चल रहा है दिल्ली दरबार में? आखिर छत्तीसगढ़ को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है? कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं? तो खन साहू का नाम तो आ ही रहा है। जी फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर तोखन साहू का जो नाम है, बिलासपुर से सांसद हैं, उनका नाम जो है वही अभी आगे रहेगा। और छत्तीसगढ़ से अगर बात करें 2014 में भी हमने देखा, 2019 में ही हमने देखा कि एक एक मंत्री ही जो है वो छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में 5 नए मंत्री जो है वो आएंगे, 5 चेहरे जो है वो मध्य प्रदेश से आएंगे, तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से 6 चेहरे जो है वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि 29 के 29 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के ऊपर हासिल हुई, और इसी तरह अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 10 सीटें जो है वो बीजेपी के पास में है, और ऐसे में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर जो है लोगों को प्रतिनिधित्व जो है वो दिया जाए। इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से 5 लोगों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से एक व्यक्ति को लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।